सलाम अलैकुम, कैसी हो? और हमको चढ़ा नहीं जा रहा ऊपर, हमारे लिए लिफ्ट तो लगवा देती। बहुत शदीद हालत बुरी है मेरी टांग की। जिसने चाय नहीं दिख रही है, अच्छा उसको तो कोई होश ही नहीं है। सुबह से कोई होश ही नहीं है, अपने काम धंधे में टाइल्स लग गए भाई, यहाँ पर भी है। अब अच्छा लग रहा है ना आखिर? हाँ, टाइल्स कितनी वाकई है। अब जरा मैं अपनी आवाम को तो बताऊं कि इस बंदे ने मुझे कल जलाया है और बहुत गंदा जलाया है कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ। यहाँ पर जली हूँ मैं, यहाँ ये पूरे छाले पड़ गए हैं, बहुत बुरा। और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। हाँ माशाल्लाह से जान के फेंका है मुझे लगता है। यही लिखूंगी मैं अपना थंबनेल, मेरा भी यही होगा। जी अब बोले, आप क्या बोल रहे हैं? अब तो बोल दिया पूरी लाइन खत्म, दोबारा से लाइन सुनानी पड़ेगी। आके बोल रहे चाय से मुझे नफरत हो गई क्योंकि मेरी बेगम जल गई। जो चीज मेरी बेगम के ऊपर गिरेगी मुझे उससे नफरत हो जाएगी। अब मैं उसको एक चीज क्या करूंगा, चाय के लिए तो मैं कॉफी इतनी पूरा। मुझे इतनी नफरत हो जाएगी कि अब मैं डबल चाय पिया करूंगा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। कल वाला आपने व्लॉग देखा होगा कि कल जो चाय गिरी है मेरे ऊपर आकिब से, गलती से, बाय मिस्टेक, तो वो मेरे बहुत शदीद बुरी गिरी है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, उसकी भी पिक्चर लगाऊंगी। बहुत ख़तरनाक जला है, जो कि 8 घंटे जलने के बाद के जो 8 घंटे होते हैं समझ लें, वो बहुत तकलीफ दे, बहुत तकलीफ दे, बहुत नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं, जो कि वो गुजर गए हैं। और अब छाले वगैरह पड़ गए हैं, एक मोटा बाकी कुछ छोटे छोटे छाले ऐसे हो गए जैसे हो जाते हैं जलने के बाद। लेकिन ये है कि अभी काफ़ी बेहतर है, तकलीफ़ नहीं है इतनी। और पानी वानी उस पर लगना नहीं चाहिए वरना फिर वो ख़राब हो जाएगा, छाले फूलना नहीं चाहिए। तो मैं मम्मी की तरफ आ गई हूँ, वैसे ससुराल भी जाना था, देखते हैं कल ससुराल जाएँगे। बाकी ये है कि मेरी आदत है कि मैं बहुत जल्दी ही रिकवर कर लेती हूँ। और ये नहीं, वो बहुत जल्दी ही बहुत जल्दी रिकवर कर लेती हूँ। और अम्मी चाय लाकर दे रही हैं तो मैं चाय पी रही हूँ, और अब चाय से खौफ आने लग गया है मुझे। बहुत जल्दी रिकवर कर लेती, ये नहीं कि लेट ही रहूँ। तो ये वो तकलीफ़ हुई है मुझे, कल हुई थी बहुत, और आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह उठकर चल फिर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। तो ये है, बाकी ये कि टाई से भी टाइट भी नहीं पहन सकती, पैंट वगैरह नहीं पहन सकती, शलवार ढीली ढीली कि छाले फटने नहीं चाहिए। बस आप लोग दुआ करें जल्द से जल्द ठीक हो जाए, बहुत ख़तरनाक जला है, मैं आपको क्या बताऊँ। खैर अभी मैं मम्मी के घर आई हूँ और देखते हैं कितने दिन रुकती हूँ। कल चले जाऊँगी वैसे शायद ससुराल, और कल क्या करते हैं हम लोग क्या नहीं आपके साथ सब शेयर करेंगे। और ये जी दादी पुप्पो चचा लोग मुझे आए हुए थे देखने, क्योंकि उन लोगों से बिल्कुल नहीं रहा जाता मुझे, मेरी तबीयत कुछ भी सुन लें देखे बगैर। और जी दादी लोग आए हुए थे मुझे देखने के लिए, लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र है कि ठीक हूँ, तबीयत अब बेहतर है। बस वो छाले वगैरह वो तो फिर वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएंगे, बाकी तकलीफ़ नहीं है अल्लाह का शुक्र है। और इकरा और अहमद जो है ये लोग प्रोग्राम बना रहे थे, इन लोगों का कब से दिल था मूवमेंट पिक होटल जाने का, कब से मुझे बोल रहे थे कि तुम आओगी तो जाएंगे। लेकिन मैं ठीक हूँ, पैंट वेंट नहीं पहन सकती, तो क्या है मैं शलवार कमीज से पहन सकती हूँ। तो मैंने कहा चलो चल लो, कोई मसला नहीं है, मैं ठीक हूँ, मेरी वजह से अपना प्रोग्राम कैंसिल नहीं करूँ। तो अभी हम जाएंगे मूवमेंट पिक हाइटी,
या डिनर करते हैं, देखें वहाँ कब पहुँचते हैं कब निकलते हैं उसके हिसाब से। तो बस अहमद ने और इकरा अम्मी को भी बोल रहे हैं, लेकिन अम्मी जा रही हैं अभी, अम्मी को देखते हैं, अम्मी जाती हैं नहीं, दादी लोग तो जा रहे हैं और चलते हैं। और जी ये रही मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं सूट वूट तो ज़्यादा खास रख के लाई थी, कैजुअल सूट लेकर आई थी। ये मैंने एक तरह का ड्रेस पहना है, बिल्कुल न्यू ड्रेस मांगा है। मैंने कहा चलो चलते हैं, जब प्रोग्राम है तो फिर मैंने दो सूट को ये मैंने पहना भी नहीं है एक भी बार, मैंने दे दिया ऐसे करने के लिए। बस हम लोग अब निकल रहे हैं आपस को, जाके दिखाएंगे मम्मी हम जा रहे हैं। आपको इतना बोल रहे थे कि आप चलने चलना, आप चल ही नहीं रही हैं। तुम लोग के साथ मेरा क्या काम? ओहो, एंजॉय करने की, घूमने, आप खुद ही नहीं जा रही हैं, आपकी मर्जी, जीरा बिनने में लगी हैं। चल अम्मी को हम फिर अच्छी सी जगह घुमा के लाएंगे, दो दरिया सही अम्मी। चलो जी चलो चलो इकरा, लाइट भी चली गई। चलो भाई चलो, आ गई हमारी कैब, हो रही बस जी। अब वहीं पहुंच कर मिलते हैं। चलो जी ये देखें जी, यहाँ पर पिक्चर्स खींच रही हैं और अभी हम अपना डिनर एंजॉय करने जाएंगे। इकरा मेरी भी खींचो यार, इकरा मेरी भी इधर ही खड़ो। ये देखो जी, हाँ बेचारी लाओ इधर। दिस वन मुझे तो यहाँ की जगह अच्छी लगती है हमेशा। ये तो वैसे मैंने दिखाया हुआ ये पहले भी, इकरा के ब्लॉग में सारा दिखेगा आज। चलें जी निकालते हैं। क्या तो निकालो ना, कम हल्का हाथ रखना पड़ी। मैंने तो अपनी प्लेट बना ली है, काफी यमी सी। ये बैठी हुई इकरा कुछ भी नहीं खाती है, पैसे जाया करती है ये, बस जूल पैसे जाया यहाँ मैंने। हाय हाय, अब हम जा रहे हैं घर और जनाब हम जा रहे हैं, खा लिया पी लिया छी लिया खाना हमने और आकिब हमें लेने के लिए आ गए हैं, क्योंकि आकिब को भी वहीं जाना था। ये क्या हाल है आपके? ठीक है आप? क्या हाल है आपके? मजे करो मजे। Oh my God, really? यहाँ बैठे हुए थे हम तो मजा आया। इकरा कैसा लगा तुम लोग को? है ना अच्छा लगा ना? बाय बाय मूविंग पिक, फिर आएंगे फिर मिलेंगे आपसे, अल्लाह हाफिज, मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। जी घर आ गए हम, और घर आने के बाद भी मैडम बोल रही है मेरी टिकटॉक बनाओ वीडियो बनाओ। शाबाश है, मैं तो कपड़े पर चेंज कर, बहुत सर में दर्द हो रहा है यार कसम से, चाय चाहिए मुझे तो बस। अब गैस आ रही है, शुक्र है तुम लोगों की, आज चाय बनाती हूँ। यहाँ मैं पी रही हूँ जी चाय अपनी। और ये जी मेरी जो दूसरी फूफो है शादीशुदा, वो लेकर आई थी मेरे लिए कोफ्तियों की बिरयानी स्पेशल बनाकर, और मैं उनको नहीं मिली क्योंकि हम मोविन पिक गए हुए थे, तो मैंने कब खाता था।
और यहाँ जी मैं खा रही हूँ इकरा के चिलकुल्ले, बहुत मज़ेदार है। अस्सलामुअलैकुम जी, गुड मॉर्निंग। और यहाँ बस हो गई थी सुबह, नाश्ता वाश्ता कर लिया है मैंने, काफ़ी देर ही आपको पता है सुबह होती है। तो अभी मैं मम्मी के घर से जा रही हूँ अपने ससुराल, क्योंकि ससुराल में जाना था मुझे, बाल कितने रेड आ रहे धूप में। ससुराल में मुझे जाना था, रुकना है वहाँ पर भी एक दो दिन के लिए, बस रुकना था। लेकिन मैं जो ये मेरे साथ जो हादसा हो गया था इसकी वजह से मैं रुक नहीं सकी। अभी चलते हैं, निकलते हैं। और आकिब तो कल नहीं रुके थे, पर मैं आज रुकूंगी एक दो दिन के लिए, फिर वहाँ चलकर आपको अपनी रूटीन दिखाते हैं और हिपर से मिल पाते हैं। चलेंगे, चलते हैं। चले जी अम्मी, ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, फिर आऊँगी, ठीक है? ठीक है, ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम यार, कैसी हो डार्लिंग? अंदर अंदर है लॉस की पे एक खा नहीं रहे तुम लोग, अब लोगों की लड़ाइयाँ तीनों की, लड़ा लड़ो मारूंगी, हुई लड़ा लड़ा। और ये जी हम लोग आ गए थे डॉलमेन मॉल, भाभी वगैरह मैं, हम लोग कुछ सामान वगैरह लेना था, कुछ शर्ट्स वगैरह चाहिए थी इन लोगों को भी, मुझे भी, तो बस वही लिया। ये हो गया, मैंने बराबर में भी जाना है शॉपिंग आकिब की करके लेकर आई हूँ आज। कैसे लग रही है शर्ट्स? बहुत प्यारी आउटफिट, इस पर ऑफ लगा हुआ था, काफ़ी अच्छा, बहुत प्यारा लग रहा है मुझे ये है। ये नहीं बताओ क्या ये? हमने खाना शाना खा लिया, अब हमें चाय पिलाने लेकर चले। खाते ही रहो चाय या कॉफी, खाते ही रहो बस। अब हम व्लॉग में आकर बोल लेना ताकि आप मना नहीं कर सको। जी बताओ, सारे बैठे हुए चाय कॉफी के लिए, मैंने पहनी हुई है। नहीं हिबा, हिबा चाय पियोगी या कॉफी? हिबा जो बोलेगी है वो फो, उसकी भी फरमाइश तो देख लो, कॉफी, उसको पता है कॉफी अच्छी होती है। चलो हाँ मानी, कॉफी या चाय? कॉफी। सारे बोर्ड कॉफी के मिल, हिबा नहीं आए, हाय हाय बिस्मिल्लाह, हमारी कॉफी। क्या करना है अल्लाह ने भी जिंदगी अता, ऐसे पीछे दूं सबको? मैं तो खुद ही आराम से मानी, थोड़ी सी मेरी तो उधर रख दो भाई, मेरी भी ट्रे चाहिए किसी को, भर बहुत देता है यार ये। ओए राजक से बात ही नहीं हुई शाम से। गाइस आ गई हूँ मैं घर, कॉफ़ी भी पी ली है, और ये था हमारा 3 दिन का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अभी हम ससुराल में ही हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ आऊँगी। ये व्लॉग का एंड करिए, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय, टेक केयर।